me check. So we are live and sound भी ठीक है तो start करते हैं. ठीक है, comments आ रहे हैं बहुत सारे. भाई third कैसे होगा, contest is over, third वाले का logic बताओ. चलो फिर start करते हैं, फिर धीरे धीरे discuss करेंगे. ठीक है, hello मोहित. Okay ठीक, start. तो वेलकम एवरीवन टू अनकोड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. तो मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ अपने बारे में. तो माय नेम इज मिहिर सिंह एंड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक्सपीडिया में. एंड मैं एनएसआईटी से पास आउट हूँ, एनएसआईटी दिल्ली. एंड मैं 5-स्टार रेटेड हूँ मैक्स कोड शेफ पर एंड एक्सपर्ट ऑन कोड फोर्सेस. तो जो मेरे वीडियोज होते हैं यहाँ पर वो C++ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले उनके अराउंड होते हैं. तो ये कुछ है मेरे बारे में बातें. तो मेरा एम ये रहता है आपको कि सब कुछ समझ में आए जो मैं आपको बताऊं. तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने की सारा. तो कोई अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहा हो ना तो MIHIR1010 ये कोड यूज कर लेना, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो जो नए बैचेस आने वाले हैं अनअकैडमी पे उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी. अगर आपको एनरोल करना हो तो आप कर सकते हो अगर आपको यूजफुल लगे. तो जो नए बैचेस हैं वो हैं ट्रांसपायर, तो OSDBMS नेटवर्किंग का मास्टर कोर्स है. ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं और काफी यूजफुल है कॉलेज में भी और इंटरव्यू में भी. ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फंडामेंटल्स में पूछा जाता है. तो अगर आपको ये प्रिपेयर करना है थ्रू कोचिंग तो ये आप कर सकते हो अनअकैडमी पे. ठीक है, लाइव क्लासेस चलेगी और आपको बढ़िया समझाया जाएगा सब कुछ. तो 20 जुलाई को लाइव है, 1 मंथ का ड्यूरेशन, बहुत छोटा पीरियड है. 1 मंथ में आपका सब कुछ कवर कर देंगे तो आप ले सकते हो. ठीक है, फिर एकलव्य 3.0 जावा का एक कंप्लीट कोर्स है, जावा का फॉर बिगिनर्स, 8 मंथ्स का है. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको ऊपर लेके जाएंगे, जावा में प्रो बनाएंगे. तो ड्यूरेशन आप देख सकते हो और लाइव है 21 जुलाई को. तो सारे 21 जुलाई को लाइव हो रहे हैं और सारे बढ़िया कोर्स हैं. तो ब्रह्मास्त्र 3.0 आपने देखा होगा, ये 2.0 पहले आ चुके हैं, अब ये 3.0 आ रहा है. तो नया वर्जन है, एक्सक्लूसिव 5 मंथ लर्निंग ट्रैक फॉर कॉलेज ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स. तो प्लेसमेंट आने वाली है कुछ महीनों में, तो आप ये ले सकते हो, काफी यूजफुल होगा. 5 मंथ की ड्यूरेशन है इसकी, 20 जुलाई को लाइव है, ले लेना अगर आपको प्रिपेयर करना है और आपको एक कोचिंग, कोई आपको ऊपर से हाथ चाहिए किसी एजुकेटर का. अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो कोई बात नहीं. तो महायोद्धा 2.0 एक और है, 6 वीक मास्टर कोर्स ऑन एडवांस प्रोग्रामिंग. अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग क्लियर है तो एडवांस में जाना हो आपको और थोड़ा सा और अपने आप को प्रो बनाना हो तो आप ये ले सकते हो महायोद्धा 2.0. तो ये सारे वर्जन नेक्स्ट आते जा रहे हैं, इनसे पुराने वाले वर्जन पहले चालू हो रखे हैं जून में या जुलाई स्टार्टिंग में. तो ये सारे कोर्स हैं, काफी यूजफुल हैं, आप ले सकते हो. ठीक है, अगर लेना हो तो आप बेस्ट जज हो अपने. तो अगर आप लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन तो वो कोर्स का फायदा तो है ही, और क्या फायदा है कि इंडिया के बेस्ट प्रोग्रामर आपको पढ़ाते हैं. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, आप बहुत कुछ उनसे पूछ सकते हो लाइव में ही, वो आपको जवाब जरूर देंगे. और डाउट सपोर्ट के लिए टीचिंग असिस्टेंट आपको मिलते हैं. टीचिंग असिस्टेंट जब की जरूरत होती है ना, टीचिंग असिस्टेंट मतलब आप कहीं फंस गए मान लो, तो हर बार एजुकेटर तो नहीं बता पाएगा ना. अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपको डाउट आता है तो आप किसी से पूछ सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई TA प्रोवाइड करा जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी. प्रॉब्लम कोड शेफ की, कोड शेफ एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट है, पता होगा. तो काफी बढ़िया वेबसाइट है, आपको पता है कि अगर उसकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली तो आप बहुत अच्छे हो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में. तो एक वो जज हो जाता है वहां से, तो उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाई जाएगी. तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन फी 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, आपके गोल के हिसाब से कि आपको कब क्या अचीव करना है उसके हिसाब से आप ले सकते हो. आपको प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे, देखो आपको दिख रहा होगा एड अ रेफरल कोड. तो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो MIHIR10, आपको 10% जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा. ठीक है,
तो एक चीज और, तो बग बाउंटी एक और चीज नहीं है अपनी अनअकैडमी पे, कि अगर आपको किसी वीडियो में कहीं पर भी अनअकैडमी पे, जो कितनी सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे भी होती हैं, तो उसमें कहीं पर भी कोई कंटेंट में अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगा कोई कंटेंट, मतलब कुछ गलती दिखी, जैसे बग बाउंटी होता है, जैसे फेसबुक गूगल ये सारे में भी ओपन रहते हैं, अगर आपको अपने उनके कोड में किसी उनके प्रोडक्ट में बग निकाल दिया तो आपको फिर प्राइस मिलता है, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी बग बता सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो आपको भी प्राइस मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मोस्ट अवेटेड। कमेंट्स हैं, ठीक है, दो ही हुए यार, कोई नहीं, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एड कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट 210, ठीक है, बिगिनर कॉन्टेस्ट बहुत फायदे का होता है, अगर आपको अपने दिया होगा तो आइडिया लग गया होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ लैंग्वेज आती है हल्की फुल्की, तो भी आप ये कॉन्टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आप अलग से प्रैक्टिस करने में आलस दिखा सकते हो, लेकिन कॉन्टेस्ट में हमेशा कॉम्पिटिशन वाली स्पिरिट रहती है, तो आप दे दोगे तो आपका लॉजिक वहां पे डेवलप बहुत ज्यादा होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो नहीं देते हैं वो ये कॉन्टेस्ट को जरूर दें, ठीक है। तो एट कोडर बिगनर 210 प्रॉब्लम्स ए बी सी डी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन विजिबल होगी शायद आपको, ठीक, हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी, तो प्रॉब्लम ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रॉब्लम ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैबेजेस। तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, फटाफट देखेंगे, आसान प्रॉब्लम्स है, ए प्रॉब्लम काफी आसान है। प्रॉब्लम है कि शॉप सेल्स कैबेज फॉर XEN पर हेड, मतलब एक कैबेज XEN का है, और कंडीशन क्या है कि अगर आप मोर देन ए कैबेज बाय करते हो, तो ए कैबेज तक तो सारे कैबेज का प्राइस एक्स है, अगर ए से ज्यादा बाय करते हो तो फिर जितने भी लोग हैं उनका प्राइस वाई होगा, ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर, तो हमारा टोटल कितना अमाउंट जाएगा, मनी, अमाउंट ऑफ मनी बताना है एन कैबेजेस का, तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मैं फटाफट इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो तो वो कह रहा है कि 1 2 3 ऐसे करके फर्स्ट ए कैबेज तक अपना प्राइस क्या है, एक्स 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 ऐसे करके एक्स, फिर जैसे ही हम अगर a+1 a+2 ऐसे करके आगे के कैबेज लेंगे, ठीक है, तो उनका प्राइस क्या होगा, वाई वाई वाई, तो ऐसे करके हमें कोई एन दिया है, अब एन जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है एन ए भी हो सकता है, एन कुछ और भी हो सकता है, तो हमें बताना है इन एन कैबेजेस का, कैबेजेस का प्राइस कितना होगा। तो काफी आसान है, मैं कहूंगा कि अगर एन ए से बड़ा है तो फर्स्ट ए कैबेज का प्राइस तो एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू ए प्लस एन माइनस ए, एन माइनस ए जितने एक्स्ट्रा कैबेजेस हैं उनका प्राइस वाई हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अगर ऐसा नहीं है, अभी मैंने क्या कहा था, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, एल्स इफ एन इज लेस देन ए, अगर एन ए से कम है तो एन इंटू एक्स हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ए से, अगर ए या ए से कम है तो अपना एक्स ही होगा हर कैबेज का प्राइस, तो एन इंटू एक्स आंसर हो गया, ठीक है। तो काफी सिंपल है, मैं इसका आपको मैं इसको कोड दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। कॉपी, तो ये है इसका कोड, ठीक है, ये सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, स्क्रीन दिख रही होगी शायद सबको, हाँ ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, सॉल्व फंक्शन में क्या हो रहा है, अपन ने एन ए एक्स वाई इनपुट करा, और आंसर में मैंने क्या करा, एक लाइन का आंसर था, मिनिमम ऑफ ए कॉमा एन, ठीक
मतलब वही जो मैंने बताया, आप इफ एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हो। मैंने इसे एक लाइन में सॉल्व करा, ए एन का मिनिमम लिया, उसका प्राइस एक्स होगा, और फिर एन माइनस ए करा, अगर एन ए से छोटा होगा तो ये चीज नेगेटिव आएगी, तो मैंने उसका मैक्स ले लिया है जीरो के साथ, तो अगर एन ए से कम होगा तो वो कंडीशन भी हैंडल हो जाएगी, उसका प्राइस वाई होगा। आंसर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो काफी आसान प्रॉब्लम। तो ए प्रॉब्लम में किसी को डाउट हो तो बोलो। आगे बढ़ते हैं, बी पे आगे बढ़ते हैं। तो सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो प्रॉब्लम बी फटाफट। तो काफी आ रहा है कि सी से बताओ, सी बताओ, डी बताओ, तो सी डी भी डिस्कस करते हैं फटाफट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ए से, क्योंकि बहुतों से ए या बी भी नहीं हुआ होगा। तो बी प्रॉब्लम थी, वी हैव डेक ऑफ एन कार्ड्स, ठीक है, एन कार्ड्स है हमारे पास, डेक है उनका, और ईच कार्ड गुड या बैड होगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि दो प्लेयर जो है गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही किसी का, जैसे एक डेक है, डेक मतलब एक गड्डी होती है, तो उसमें ऊपर से कार्ड निकलते हैं, एक निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके। तो जो प्लेयर सबसे पहले बैड कार्ड निकाल लेगा, ठीक है, जिसके हाथ पे जब जो सबसे ऊपर बैड आएगा, जिस प्लेयर की चांस होगी वो हार जाएगा, ठीक है। इन द गेम प्लेयर्स ऑल्टरनेटली ड्रॉ द टॉप मोस्ट कार्ड एंड ईट इट। द प्लेयर हु फर्स्ट गेट टू ईट अ बैड कार्ड, जिस प्लेयर के पास पहले बैड कार्ड आएगा वो हार जाएगा, ठीक है। तो हमें जो स्ट्रिंग गिवन है स्ट्रिंग, वो डेक के फॉर्म में गिवन है, डेक ही है वो, मतलब जीरो पे जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर होगा वो डेक में सबसे टॉप का वो है कार्ड, ठीक है। तो यहां पर ये बताया हुआ है, वन जो है वो बैड है, जीरो है जो वो गुड है, तो स्ट्रिंग में जीरो या वन होगा। और मेरे को ये भी गिवन है कि एटलीस्ट वन बैड तो हो गई, मतलब पूरी स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं एक वन तो हो गई, वन, तो हमें उसकी दिक्कत नहीं लेनी कि वन होगा या नहीं। हमें बताना है कौन हारेगा जब ताकाहाशी गोज फर्स्ट। तो दो प्लेयर है, ताकाहाशी ने एओकी, तो आप बता दो कौन हारेगा, काफी आसान है। नहीं तो मैं इसको फटाफट बताता हूँ। देखो, ताकाहाशी और एओकी दो प्लेयर है, ठीक। अब हो क्या रहा है, कुछ डेक ऑफ कार्ड है स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है, S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे करके SN, N लेंथ की स्ट्रिंग गिवन है। तो पहले जीरो, मतलब जिसका जीरो आ गया ना, जैसे अभी ताकाहाशी की टर्न है, तो मान लो वो फर्स्ट कार्ड उठाएगा, तो अगर ये वन निकला, क्योंकि वन जो है वो बैड है, जीरो है जो गुड है, ऐसा प्रॉब्लम में गिवन है, तो मेरे को वो प्लेयर बताना है जो हारेगा। तो कौन हारेगा, जिसके पास पहले वन आएगा। तो मान लो S1 उठाया ताकाहाशी ने, अगर S1 वन है तो ताकाहाशी लूजेस, ठीक है। अगर S1 वन है, ताकाहाशी लूजेस, अगर S1 जीरो है तो गेम कंटिन्यू हो जाएगी, फिर आयोकी आएगा S2 उठाने, फिर अगर S2 वन हो गया तो आयोकी हार गया, ऐसे करके अपन ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ताकाहाशी हमेशा 1, 3, 5 ऑड नंबर वाले कार्ड उठाएगा, अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो। वन बेस्ड इंडेक्सिंग में ताकाहाशी ऑड वाले उठाएगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, और आयोकी कौन से उठाएगा, 2, 4, 6 ऐसे करके। तो मैंने सबसे पहले ये निकाल लूंगा कि वन कहां पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन है वो आईएथ पोजीशन जहां पर वन सबसे पहले आ रहा है। तो जहां सबसे पहले आएगा वहीं पे किसी प्लेयर को वो चूज करना पड़ेगा। तो मैं देख लूंगा उस पोजीशन का इंडेक्स ऑड है या इवन है, ऑड है तो टाकाहाशी हारेगा, इवन है तो आयोकी हारेगा। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं इसका कोड दिखाता हूं, इसका कोड पेस्ट। तो हर उसके लिए सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, टेस्ट केस एक ही है इसमें, हर एटकोडर में मैक्सिमम टाइम टेस्ट केस एक ही होता है, तो ये लूप एक बार ही चलेगा, मतलब एक ही बार सॉल्व फंक्शन कॉल होगा। तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग ली इनपुट, उसकी लेंथ ली इनपुट, और वो पोजीशन पीओएस में स्टोर कर ली जहां पर वन है। तो जो पहले आएगा वही वाली पोजीशन चाहिए अपने को, क्योंकि टॉप से जैसे ही किसी के पास बैड आया वो हार जाएगा। तो मैंने सेव कर लिया, तो अगर वो पोजीशन इवन आ रही है तो ये प्रिंट कर दिया, ऑड आ रही है तो ये प्रिंट कर दिया। तो यहां पर मैंने उल्टा करा है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन वन बेस्ड इंडेक्सिंग में करा था, यहां पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है,
जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। मैंने वन बेस में एक्सप्लेन करा था, तो इवन पोजीशन के केस में आयोकी आंसर होगा और अदरवाइज टाकावाशी। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सी, कलरफुल कैंडीज। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक ठाक है, मतलब बिगनर के लिए। तो प्रॉब्लम है, एन कैंडीज गिवन है, अरेंज्ड इन अ रो लेफ्ट टू राइट, मतलब एक सिंपली एक एरे गिवन है यहाँ पर इनपुट में, ठीक। अब हमें क्या करना है, ईच ऑफ दीज कैंडीज हैज वन कलर, दैट इज वन ऑफ द 10 की पावर 9 कलर्स। तो टोटल 10 की पावर 9 कलर्स हैं, 1 to 10 की पावर 9। देखो यहाँ पर कलर 1, 2, 3 ऐसे करके 10 की पावर 9। ईच ऑफ दीज कैंडीज हैज वन कलर, हर कैंडी जो इस रो में थी, एन कैंडीज, उसका कुछ कलर है, मेरे को नहीं पता क्या है, वो गिवन है, और एन कैंडीज गिवन है, ठीक है। आईएथ कैंडी का जो कलर है वो सी आई है, मतलब एक एरे गिवन है सी, ये सी एरे जो गिवन है ये कलर बता रहा है, फर्स्ट कैंडी का C1, सेकंड कैंडी का C2 ऐसे करके। अब हमें क्या बताना है, टाकाहाशी लाइक्स टू ईट कलरफुल कैंडीज, सो द मोर वेराइटी ऑफ कलर्स हिज कैंडीज हैव द हैप्पियर ही विल बी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टाकाहाशी को के कॉन्सिक्यूटिव कैंडीज खानी है, ऐसा समझ लो, मतलब हमें कुल मिला के कॉन्सिक्यूटिव कैंडीज को सेलेक्ट करना है, जिससे कि जो कलर्स है उनके कैंडीज का वो मैक्सिमम पॉसिबल हो डिस्टिंक्ट, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स इन कैंडीज ही गेट्स, समझ रहे हो। तो जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, देखो जैसे मान लो सी जो है कलर वाला, ऐसे C1, C2, C3 अरे है, एन कैंडीज का कलर है। अब मान लो K3 है, मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडीज उसको सेलेक्ट करनी है। तो अब मैं एरे का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर 1, 2, 1, 3 ऐसे करके कुछ है। तो अब यहां पर ये देखो कि 1 to 1, क्योंकि उसे 3 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, तो पहला क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है टाकाहाशी के पास कि भाई वो ये 3 सेलेक्ट कर ले। तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स कितने हैं, 1 और 2, दो ही तो डिस्टिंक्ट है, 1 ही रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पे फोकस करना है। क्यों, देखो यहां पर क्या लिखा है, टाकाहाशी लाइक्स टू ईट कलरफुल कैंडीज, सो द मोर वेराइटी ऑफ कलर्स हिज कैंडीज हैव द हैप्पियर ही विल बी, मोर वेराइटीज ऑफ His कलर्स, मोर वेराइटी ऑफ कलर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, हमें मैक्सिमम पॉसिबल बताना है डिस्टिंक्ट कलर कितने हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव के में, ठीक है। तो 1 to 1 में 2 आए, 2 कलर आए। अब मैं अगर ये वाला कॉन्जिक्यूटिव 3 देखू, क्योंकि मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2, 1 और 3, 3 कलर आए, 3, तो 2 से बड़ा है 3, तो अपना आंसर 3 हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल बताना है। तो अगर सिर्फ अपना एरे जो था 4 लेंथ का था, एन यहाँ पर 4 था, तो अपना आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। K3 के लिए आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर K2 लोगे तो हर 2 को उठा लो, 1 2 को उठाओगे तो भी 2 डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, 2 1 के लिए भी 2 आ रहे हैं, 1 3 के लिए भी 2 आ रहे हैं, तो आंसर अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो इसका आंसर ऐसे ही है जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बस यही है, हमें क्या करना है, 2 पॉइंटर कह लो अगर किसी को आता हो, या फिर आप नॉर्मली लूप इटरेशन कह लो, के कॉन्सिक्यूटिव पे हमें इटरेट करना है, और हमें हर इटरेशन में चेक करना है कि क्या इस इटरेशन में एक्स डिस्टिंक्ट कलर्स हैं। तो अभी तक का जो मैक्सिमम पॉसिबल है, अभी तक का मैक्सिमम पॉसिबल है, क्या वो लेस है एक्स से, एक्स जो है वो करंट के कॉन्सिक्यूटिव का डिस्टिंक्ट कलर्स है, मतलब करंट के कॉन्सिक्यूटिव जो सब एरे है, के कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स का जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, कलर्स हैं, वो एक्स है। तो अगर अभी करंट वाला एक्स जो है अभी तक के मैक्सिमम पॉसिबल से ज्यादा है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल को एक्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज कैसे हैंडल करनी है ये मैं कोड में दिखाता हूँ, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो भी कह सकते हो इसे, तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, 2 पॉइंटर कुछ भी कह सकते हो, आपको अगर आइडिया है तो आपने कर दिया होगा, वरना आप अगर नहीं समझ पाए तो अभी देख लो, मैं आपको समझाता हूं। तो इसका जो कोड है,
वो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ तो हर उसके लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होगा टेस्ट केस के लिए। यहाँ पर टेस्ट केस एक ही है तो एक ही बार होगा। अब मैंने यहाँ पर मैप का यूज करा है, ठीक है, मैप का यूज करके आप कर सकते हो इसे। क्या करा मैंने, मैंने कहा कि एन और के इनपुट लो, जितने कलर है और जितने उसे ताकाहाशी को जितने के कॉन्सिक्यूटिव कलर सेलेक्ट करने थे ना वो है के। एरे को इनपुट करा, ठीक, एन साइज का एरे। फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट के कॉन्सिक्यूटिव कलर्स, फर्स्ट के कॉन्सिक्यूटिव कलर्स को मैप में डाल दिया, ठीक है। मैप में इंसर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, मैप एक की वैल्यू पेयर स्टोर करता है अगर किसी को आइडिया हो तो की ये है जो कलर है और फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू, मतलब जो की वैल्यू पेयर होता है ऐसे समझो, यहां पर मैप में की और उसकी वैल्यू होती है उसका, ऐसे वैल्यू स्टोर होती है, मतलब ये की यानी कि ये कलर कितनी बार आ रहा है ये मैं मैप में स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। तो मैप में की वैल्यू पे स्टोर कर, तो फर्स्ट के का मैंने यहां पर स्टोर कर लिया। अब मैंने आंसर में फर्स्ट के कॉन्सिक्यूटिव का जो डिस्टिंक्ट कलर था वो आंसर दे दिया। अब आपको पता होगा मैप में जो कीज होती है, जैसे जो की होती है वो रिपीट नहीं होती, यूनिक की होती है, मतलब ऐसे समझो, थोड़ा सा बता रहा हूं मैप, जिसको आइडिया नहीं है इसको आइडिया उसे पता चल गया होगा। मान लो पहला कलर वन, दूसरा कलर वन, तीसरा टू, ऐसे था सी एरे जो था। अब मैंने क्या करा, एमपी वन प्लस प्लस करा, तो फर्स्ट वाले में तो एमपी जो वन है वो वन हो गया, ठीक है। अगली बार इस पे था अभी, मैं अब इस पे आया तो फिर से मैंने एमपी ऑफ वन प्लस प्लस करा, तो यहाँ पर दूसरा एमपी नहीं बनेगा वन, दूसरा की नहीं क्रिएट हो जाएगा ऐसे, वो पिछले वाले में ही एड हो जाएगा, मतलब वन जो है वो टू हो जाएगा, यानी कि एमपी वन जो है वो टू हो जाएगा, ठीक है। मैप की यही खासियत होती है कि इसमें की जो है रिपीट नहीं होती। तो कोड पे वापस जाते हैं, मैप में मैंने स्टोर करा के, तो पहले के कॉन्सिक्यूटिव कलर्स अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स, तो वो होगा मैप का साइज, एमपी डॉट साइज से मैंने कर दिया। अब मैंने एक फ्रंट ले लिया, क्योंकि मैं हर के लिए आंसर निकालना चाह रहा हूं, हर के कॉन्सिक्यूटिव विंडो के लिए। जैसे मैं एक बार यहां बता देता हूं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो अगर K3 है तो इसके लिए निकालूंगा, फिर इसके लिए निकालूंगा, तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा मैप में और इस वाले की डिलीट करूंगा, तो इसलिए मैंने मैप को यूज करा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर जो फ्रंट है ना वो इसको पॉइंट करेगा, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो फ्रंट जो है उसको पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या करा, K से स्टार्ट करा, क्योंकि फर्स्ट के मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, अब मैं के प्लस वन यानी कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो के वाले से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने जो फ्रंट वाला था उसे माइनस कर दिया, और अगर वो माइनस करके जीरो हो गया, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कलर की जीरो हो गई, तो मैंने उसको मैप से इरेज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो फालतू का कलर है, वो तो है ही नहीं। और फिर फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया और करंट कलर को मैंने मैप में एड कर दिया। उसके बाद मैंने आंसर को अपडेट कर दिया मैक्सिमम से, जो करंट आंसर है कॉमा इसको इंक्लूड करके जो आंसर आ रहा है एमपी डॉट साइज, तो ये करके अपना आंसर आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम आंसर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपके जैसे ही सॉल्यूशन लिखा, पर एमपी डॉट इरेज पे की पास करने पे काम नहीं किया, पर इटरेटर पास करने पे काम किया। आई डोंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मतलब इटरेटर का यूज करके भी आप कर सकते हो, तो इरेज करने के लिए इटरेटर भी डाल सकते हैं और नॉर्मली इसका की भी डाल सकते हैं, ऐसा होता है नॉर्मली अपने, क्योंकि ये एक वो है मैप जो इम्प्लीमेंट होता है ना, ये ट्री से ही होता है, रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्री का कुछ कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऐसा समझ लो, तो अपने को इटरेटर भी दे सकते हैं इसमें, तो उन ट्रीज में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन ही होती है, क्योंकि हाइट लॉग एन होती है, किसी भी नोड पे पहुंचने के लिए रूट से लॉगरिथमिक टाइम ही लगता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी मैप का यूज करके स्लाइडिंग विंडो की, ठीक है। तो फिर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आप अपना कोड शेयर कर सकते हो कमेंट में, मैं चेक कर लूंगा जिसको डाउट है अभी, क्योंकि यहां पर कोड तो देख नहीं सकते, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम डी पे, ठीक है।
तो प्रॉब्लम डी है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे प्रॉब्लम क्या कह रही है, तो आपको दिख रहा है यहां पर, नहीं दिख रहा, तो ठीक है, क्लियर है, ये लो। तो प्रॉब्लम डी जो है क्या है, किंगडम ऑफ टाकाहाशी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रिड विद एच रोज एंड डब्ल्यू कॉलम्स। तो इसमें किंगडम कुछ है, मतलब कहानी होती है हर प्रॉब्लम में। इसमें क्या है कि अपने पास एक ग्रिड है, एच रोज है, डब्ल्यू कॉलम्स है, ठीक है, और ठीक है, आईएथ रो और जेएथ कॉलम आईजे डिनोट कर रहा है, नॉर्मल मैट्रिक्स में जैसे हम कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। अब क्या है कि कुछ कुछ हुआ, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें चूज टू डिफरेंट स्क्वायर्स, मतलब दो मैट्रिक्स के एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, सेम नहीं कर सकते। तो और बिल्ड अ स्टेशन ऑन ईच ऑफ देम, तो बिल्ड मतलब जो उस मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू है ए आई जे, वो बिल्ड करने की कॉस्ट है, तो ए आई जे कॉस्ट है, तो टू डिफरेंट स्क्वायर चूज करने हैं और उनका उनपे अपने को स्टेशन बिल्ड करना है, मतलब ए आई जे प्लस ए दूसरा आई वन आई डैश जे डैश दो सेलेक्ट करके उसका कॉस्ट अपन ऐड कर देंगे। फिर क्या करना है, उन दो के बीच में जितना डिस्टेंस है, ठीक है, मैनहट्टन डिस्टेंस होता है ये, अगर किसी को आइडिया हो तो जितना उन दो के बीच का डिस्टेंस है, मतलब उन दो ट्रैक्स रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक बनाना है, ठीक है, तो ट्रैक बिल्ड करने के लिए कितना डिस्टेंस होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस ही होगा, तो उतने डिस्टेंस पे हम ट्रैक बिल्ड करेंगे ऐसा समझ लो, उसकी कॉस्ट है सी, ठीक है, तो सी इंटू डिस्टेंस, मतलब ये पूरे ट्रैक का डिस्टेंस है इंटू सी कॉस्ट, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी अपनी। तो हमें क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे, ये बताना है। तो टाकाहाशी's प्रायोरिटी इज टू स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल ऑन दिस कंस्ट्रक्शन, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो इसको मिनिमाइज करना चाह रहा है वो जो मनी स्पेंड है, तो मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट बतानी है रेलवे। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हमें बताना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ठीक है, दिख रहा है सही, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग स्केचबुक, ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं समझा देता हूं अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो शायद ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं हो इसलिए काफी को समझ भी नहीं आएगी, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक ग्रिड दे रखा है, एच रोज है और डब्ल्यू कॉलम्स है। अब मेरे को क्या करना है, कोई आई जे और कोई आई डैश जे डैश सेलेक्ट करना है, आई डैश जे डैश सेलेक्ट करना है, और मान लो मैंने इसको ए पॉइंट का ऐसे बी पॉइंट का, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ऐसा समझ लो। तो मेरे को यहां पर रेलवे स्टेशन बिल्ड कर देना है, तो जो इसकी वैल्यू होगी मैट्रिक्स में, इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो वो वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक ट्रैक बिल्ड करना है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, तो ट्रैक भी तो होना चाहिए ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो वो कैसे होगा बिल्ड, वो वहां पर लिखा हुआ है आई माइनस आई डैश, अगर ये दो कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स के, एक मिनट, आई माइनस आई डैश प्लस जे माइनस जे डैश, ठीक है, तो इसका जो मॉड आएगा वो ऐड करना है। तो ये क्या आएगा बेसिकली, क्या है आई माइनस आई डैश, मतलब इसका रो माइनस इसका रो, तो जितना डिस्टेंस आ रहा है रो वाइज, जे माइनस जे डैश मतलब इसका कॉलम इसका कॉलम, कॉलम वाइज कितना आ रहा है, तो यहां से एक दो, ये रो वाइज है, कॉलम वाइज सॉरी कॉलम वाइज है, ये वाला रो वाइज है, तो इन दो के बीच में क्या आएगा, टू प्लस वन, तीन का डिस्टेंस आ रहा है। मतलब बेसिक ये है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट के बीच का मैट्रिक्स में, वो होता है मैनहट्टन डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, रो का डिफरेंस
कॉलम का डिफरेंस ऐड कर देते हैं हम, ये एब्सोल्यूट ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो जितना डिस्टेंस है, मतलब जैसे तीन का डिस्टेंस है तो तीन इंटू सी, तो ये सी हमें गिवन है प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन था एक बार और मैं देख लेता हूं। प्रॉब्लम में एच डब्ल्यू और सी गिवन है, और एच एच क्रॉस डब्ल्यू का एक मैट्रिक्स गिवन है। तो अब यहां पर कंस्ट्रेंट देख रहे होगे 1000 है, तो यानी कि सॉल्यूशन जो होगा अपना एच क्रॉस डब्ल्यू टाइप का हो सकता है 10 की पावर 6, क्योंकि टाइम लिमिट में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, और ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, तो प्रॉब्लम आ गई समझ में। अब हमने क्या करा, हमने क्या करा यहां पर, हमने कहा कि ये कुछ ऐसा है x प्लस वाई प्लस सी इंटू डिस्टेंस, ऐसी कुछ इक्वेशन है, इसको मिनिमाइज करना है। x और y जो है कॉस्ट है, a पर स्टेशन बनाने का, मतलब मैट्रिक्स में जो वैल्यू है y यहां पर स्टेशन बनाने का, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो। तो अपन ने ये यहां पर समझा कि यार दो स्टेशन चूज करनी है जिससे कि ये इक्वेशन मिनिमाइज हो जाए। तो एक इक्वेशन सॉरी एक स्टेशन तो अपन कोई सा भी चूज कर सकते हैं ना, ठीक है, एक स्टेशन चूज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एच क्रॉस डब्ल्यू स्टेशन होंगे, क्योंकि एच क्रॉस डब्ल्यू मैट्रिक्स है तो एच क्रॉस डब्ल्यू एलिमेंट्स होंगे, इतने स्टेशन सॉरी पॉसिबिलिटी है, एलिमेंट्स कह लो इसे, इतनी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट को चूज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहां पर, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो ही आप सोच पाओगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आपको आइडिया होगा तो आप यहां पर समझ सकते हो। तो ये मैंने क्या करा कि मैंने कहा कि ये क्या देगा अपने को, dpij डिफाइन करा मैंने, ठीक है, ये क्या देगा, h क्रॉस w एलिमेंट है, दो एलिमेंट सेलेक्ट करने, मैंने कहा एक तो कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहां पर, ये देगा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट आ रही है अपनी, जो मिनिमाइज करनी है अपने को, x प्लस वाई प्लस सी इंटू डी, ये वाली कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट, ये दूसरी कॉस्ट है, ये अपने को मिनिमाइज करना है फाइनली, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक के लिए सोच रहा हूं। तो मिनिमम कॉस्ट व्हेन, ठीक है, एक स्टेशन व्हेन, ऐसे लिखो यहां पर, व्हेन वन स्टेशन इज सेलेक्टेड, वन स्टेशन इज सेलेक्टेड, ठीक है, एक स्टेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है, कौन सा होगा, ए बी दो स्टेशन सेलेक्ट करने, एक सेलेक्ट कर लिया, एंड करंटली एट ऐसा समझो आई कॉमा जे, जो भी नाम था उसका, आयोकी या टाकाशी, जो भी दो चलते हैं हेडक्वार्टर पे यहां पे। तो मैंने डिफाइन करा कि भाई मिनिमम कॉस्ट व्हेन एक स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है मैंने, एक स्टेशन को इटरेट कर सकते हैं एच क्रॉस डब्ल्यू में, एच क्रॉस डब्ल्यू टोटल स्टेशन है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ ठीक है। तो h क्रॉस w एलिमेंट्स में मैंने क्या कहा, मिनिमम कॉस्ट व्हेन एक स्टेशन इज सेलेक्टेड, एंड मैं करेंटली ij पर हूं, मैं करेंटली ij पर हूं और एक स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है, तो उसकी क्या मिनिमम कॉस्ट आ रही है एक स्टेशन के लिए मैं निकाल रहा हूं। तो मैंने कहा ये तो मैं निकाल लूंगा। तो डीपी में क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में रिकरेंस फॉर्म करना होता है, अगर आपने रिकरेंस फॉर्म कर लिया तो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एक स्टेशन सेलेक्ट करना है और मैं करेंटली आईजे पे हूं, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर दो वेरिएबल है आईजे, तो इटरेट कर लो, है ना, एच आई प्लस प्लस इंट जे ऐसा कुछ आई डब्ल्यू सॉरी जे जे प्लस प्लस, तो ऐसे करके आप कर सकते हो इटरेट। तो यहां मैं करेंटली मैं क्या कह रहा हूं, करेंटली मान लो मैं आईजे पर हूं, कमेंट में लिख रहा हूं इसे, तो मैं करेंटली इस आईजे पर हूं जो मेरा भी करंट इटरेशन चल रही है। तो मैंने कहा मिनिमम कॉस्ट क्या होगी अगर मैं एक स्टेशन बिल्ड कर चुका हूं और मैं यहां पर हूं, तो यहां पर तीन केस बनेंगे। पहला क्या बनेगा, मान लो मैंने आईजे पर ही बिल्ड कर दिया स्टेशन, आईजे ही मेरा स्टेशन है, ये भी तो हो सकता है, मैं करेंटली आईजे पर हूं और यही मैंने बिल्ड कर रखा है, एक स्टेशन बिल्ड करना है मेरे को, उस एक स्टेशन की वो पॉसिबिलिटी चाहिए। अब मान लो मैं यहां पर बिल्ड नहीं कर रहा,
तो यानी कि मैंने पहले से बिल्ड कर रखा है। तो सेकंड केस क्या है, स्टेशन इज ऑलरेडी बिल्ट, ठीक है। तो डीपीआईजे मैं हटा रहा हूं, यहां पर समझ में आया होगा। तो मैं इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। स्टेशन ऑलरेडी बिल्ट, तो यहां पर दो केस निकल जाएंगे, क्योंकि मान लो मैं इस मैट्रिक्स में हूं, यहां पर ऐसे मैं करेंटली यहां पर हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि या तो मैं ऊपर से आऊंगा या तो इधर से आऊंगा, ठीक है। किसी दूसरे स्टेशन पे बिल्ड करने के लिए मैं यहां पर आऊंगा या तो ऐसे आऊंगा इधर से, क्योंकि चल के ही आऊंगा ना। चल के क्यों आऊंगा, इसका आइडिया क्या है, इसका आइडिया ये है, समझ में आ रहा होगा आपको कुछ कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर हूं, यहां पर हूं, तो अगर मैं यहां दो स्टेशन बनाता हूं, तो दो स्टेशन, इसकी कॉस्ट x है मान लो, इसकी कॉस्ट y है, तो x प्लस वाई प्लस डिस्टेंस इंटू सी जो था, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 1, 2, 3, 4, ये है ये डिस्टेंस। तो अगर एक चलता हूं तो एक सी ऐड होता है, दो चलता हूं तो एक और सी ऐड हो जाता है, ऐसे है, ठीक है। तो मैं रेल रोड बनाता हुआ चल रहा हूं ना यहां पर, ठीक है, ये समझ रहे हो। दो स्टेशन के बीच में रेल ट्रैक भी तो बनाना है, तो वो रेल ट्रैक बनाने का कॉस्ट ही तो सी है, हर डिस्टेंस का सी कॉस्ट है, एक यूनिट डिस्टेंस का सी कॉस्ट है, ठीक है, ऐसे। तो स्टेशन अगर ऑलरेडी बिल्ड है, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि मेरा आंसर क्या होगा, डीपी आई माइनस वन, अगर मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर से यहां आया हूं, तो आई माइनस वन जे, मतलब यहां पर अगर मैं था और मैंने एक स्टेशन बिल्ड कर लिया था, मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो रेल रोड बनाता हुआ आ रहा हूंगा ना, सी प्लस सी कर देंगे। अदरवाइज मैं कहूंगा आई जे माइनस वन, मतलब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, मैंने डीप यहां पर था, आई जे माइनस वन पे एक स्टेशन मैंने बिल्ड कर लिया था, अब मैं रेल रोड बनाता हुआ आ रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर प्लस सी। तो इन इनका जो मिनिमम होगा ना, ये तीन केस आपको दिख रहे होंगे यहां पर, तो इन तीनों केस का जो मिनिमम होगा, अगर मैंने यहीं पे बिल्ड करा, मान लो अगर मैंने स्टेशन यहीं पे बिल्ड करा, तो जो टॉप कॉस्ट है मैट्रिक्स की वही आ जाएगी ना, मैट्रिक्स आई जे, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं ऑलरेडी बिल्ट है, तो मैं रेल रोड बना रहा हूंगा, मतलब ऊपर से आया तो ऊपर आई माइनस वन जे पे था, एक स्टेशन बिल्ड कर लिया, तो करंट पे आऊंगा, सी कॉस्ट लगेगी, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। अगर ये दो यहां पर सेल थे, यहां से यहां जा रहा हूं तो सी कॉस्ट ऐड कर रहा है, यहां से यहां जा रहा हूं तो सी कॉस्ट ऐड कर रहा है, यहां से यहां जा रहा हूं तो सी कॉस्ट ऐड कर रहा है, तो हर डिस्टेंस सी कॉस्ट ऐड करता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आंसर आ जाएगा, मैं अच्छे से यहां पर लिखता हूं फटाफट, डीपी आई जे, मतलब इसकी डिफाइन मैंने कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा अपना, मिनिमम ऑफ मैट्रिक्स आई जे, मतलब मैंने यहीं पर स्टेशन बिल्ड कर लिया, या फिर ऊपर से आ रहा हूं, स्टेशन बिल्ट हो चुका है, एक पाथ बना रहा हूं रेल रोड का, वो बना रहा हूं, तो ये हो गया कॉमा। तीसरा क्या हो जाएगा, डीपी आई जे माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो इन तीनों का ये डीपी आई जे मैंने बिल्ड कर लिया, ठीक है। तो अब मेरा डीपी आई जे मेरे को पता है क्या है, कि एक स्टेशन बिल्ड कर लू और मिनिमम टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक स्टेशन मैंने बिल्ड कर लिया और करेंटली मैं आई कॉमा जे पर हूं, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो डीपी आई जे आपको समझ में आना चाहिए क्या है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मेरे को डीपी आई जे तो पता है, डीपी आई जे मेरे को पता चल गया यहां पर, अब एक स्टेशन बिल्ट हो चुका है, डीपी आई जे से मेरे को पता है एक स्टेशन बिल्ट हो चुका है, करंटली आई जे पर हूं। अब मैंने कहा दूसरा बिल्ड करना है, ठीक है, तो एक और डीपी ले लो, डीपी डैश आई जे ले लो, ठीक है। इस पे क्या होगा, मिनिमम, अभी क्या था, मिनिमम कॉस्ट एक स्टेशन बिल्ड करा है, करंटली आई जे पर हूं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सेकेंड स्टेशन बिल्ड करना है, तो सेकेंड स्टेशन के लिए एक और एरे बनाओ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे यहां पर। तो ये क्या बता रहा है, मिनिमम कॉस्ट टू बिल्ड सेकेंड स्टेशन, समझ रहे हो, सेकेंड स्टेशन बिल्ड कर रहा हूं मैं,
एक स्टेशन बिल्ड हो चुका है तो दूसरा मैं बिल्ड कर रहा हूं, तो दूसरे के लिए फिर से एच क्रॉस डब्ल्यू पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा आईजे करेंटली आईजे पर हूं वहीं पे मैं बना देता हूं, ठीक है आईजे पर बना दो। तो मैंने कहा अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं तो दूसरे के लिए तो सिर्फ एच क्रॉस डब्ल्यू पॉसिबिलिटी रह जाएगी ना, तो बस यही करना था। तो ये इसका आंसर क्या होगा डीपी डैश आईजे का, अगर मैं रिकरेंस लिखना चाहूं इसकी, तो जिसको डीपी में थोड़ी दिक्कत है उसमें समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो यहां पर कि डीपी आईजे क्या है। आईजे पे करेंटली हूं, एक स्टेशन बना चुका हूं, मैंने कहा दो स्टेशन बनाने हैं, पहले एक का जुगाड़ करूंगा, एक का कर दिया, एक स्टेशन बना दिया, करेंटली आईजे पर हूं। अब मैं कह रहा हूं दूसरा स्टेशन बनाना है, तो एक और डीपी बनाया डीपी डैश आईजे, मिनिमम कॉस्ट टू बिल्ड सेकेंड स्टेशन और आईजे पर, आईजे पर मैं सेकेंड स्टेशन को बनाऊंगा, ठीक है। तो इसकी क्या, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर दो पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, कि मैं ऊपर से आया, मान लो यहां पर भी दो केस होंगे, ऐसा मैट्रिक्स है कुछ कुछ, मैं यहां पर हूं, आईजे मेरा जो है यहां पर है आई कॉमा जे, तो मैं यहां से आऊंगा या यहां से आऊंगा, है ना, यहां से या तो यहां से। तो मैंने कहा वही चीज कही यहां पर, तो डीपी आईजे समझ में आया होगा, डीपी डैश आईजे समझ रहे हैं अपन, तो डीपी डैश में सीधा रिकरेंस लिखता हूं यहां पर क्या होगा, तो ये होगा मिनिमम ऑफ डीपी आई माइनस वन जे, ठीक है, प्लस सी प्लस मैट्रिक्स की वैल्यू करंट, क्योंकि मैं करंट आईजे पर सेकंड स्टेशन बना रहा हूं आईजे, ठीक है। तो ऊपर से आया मतलब यहां से आया, रेल रोड बिल्ड करता हुआ आऊंगा ना, यहां से आऊंगा तो एक रेल रोड बनेगी सी कॉस्ट की, तो सी कॉस्ट ऐड कर दिया और करंट पे सेकंड स्टेशन बिल्ड कर दूंगा, खत्म। सेकंड केस क्या होगा, लेफ्ट से आया आई जे माइनस वन प्लस सी, वही रेल रोड वाली कॉस्ट प्लस मैट्रिक्स की वैल्यू आईजे पर, ठीक है। तो ये हो गया डीपी डैश आईजे, ठीक है, डीपी डैश आईजे क्या हो गया, डीपी का यूज करके अपन ने डीपी डैश भी निकाल लिया। तो अब जो आंसर होगा वो इसका मिनिमम होगा, क्योंकि सेकंड स्टेशन की कॉस्ट है ना ये, तो मतलब फर्स्ट बन चुका है, अब सेकंड की कॉस्ट जो है वो डीपी डैश आईजे में, तो इसका जो मिनिमम होगा डीपी आईजे, ये डैश वाले का, ठीक है, डीपी टू दूसरा एरे है, तो इसका जो मिनिमम होगा इटरेट करके जो भी मिनिमम आएगा इसका, वही अपना आंसर होगा कॉस्ट। तो काफी सिंपल है, दो लूप में आप इसे कर सकते हो, एक फर्स्ट लूप लगाओगे डीपी आईजे के लिए, डीपी आईजे के लिए एच क्रॉस डब्ल्यू का लूप लगाओगे, मिनिमम निकालोगे जैसे मैंने रिकरेंस बताया, दूसरे में इसके लिए निकालोगे एच क्रॉस डब्ल्यू में डीपी डैश आईजे के लिए, ठीक है। तो दो लूप में आप दो एच क्रॉस डब्ल्यू के लूप में आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, और तीसरे लूप में या फिर इसी में आप मिनिमम ट्रैक कर सकते हो डीपी डैश आईजे का, तो जो भी होगा वो आंसर होगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। दोनों डीपी एक बार नहीं कर सकते थे यार, पता नहीं लगता तो नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में दो स्टेशन बनाने, एक स्टेशन को बनाना है फिर सेकंड को बनाना है, तो फर्स्ट को बनाने की कॉस्ट निकाली हमने मिनिमम। करंटली मैं आईजे पर हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं जो मेरा स्टेटमेंट है, करंटली मैं आईजे पर हूं और एक स्टेशन बिल्ड कर दिया, ठीक है, उसके तीन पॉसिबिलिटी थी, तो उससे मैंने डीपी आईजे कंस्ट्रक्ट करा। डीपी डैश आईजे क्या कह रहा है कि एक स्टेशन तो बन गया, डीपी आईजे से मैंने एक स्टेशन बना लिया, डीपी डैश आईजे कह रहा है सेकंड स्टेशन बनाना है और करंट पे बनाना है आईजे पर, क्योंकि एक बन चुका है तो मैं उसका यूज कर सकता हूं डीपी डैश आईजे में, ठीक है। ये देखो यहां पर ये डीपी डैश आईजे में मैं उसका यूज कर सकता हूं डीपी आईजे का, तो दोनों करके एक बार फर्स्ट एक बार सेकंड और अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। ये प्रॉब्लम थी, और एटकोडर बिगनर 210 ABCD, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अनकोड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चैनल का नाम है, ठीक है, और क्योंकि आपको इतना बढ़िया डिस्कशन मिलता है, और आगे मेरा C++ का एक कोर्स भी चल रहा है DSA का, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, तो काफी वीडियोज आती रहती है, इतना कंटेंट आपको देते हैं हम, मेहनत लगती है थोड़ी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हो अनकोड में, अनकोड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, सी यू अगेन, बाय बाय।